हेलो, तो आ गए हैं हम दादा समाध वाले के धाम पर। और बहुत ही मान्यता है यहाँ पर, दूर दूर से बाहर, मतलब जो यहाँ से गांव से गए हैं वो लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और उन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर भोजन का आयोजन किया जाता है। तो हम यहाँ पर जोत लगाने के लिए आए थे तो सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बना ही लेते हैं। गांव में यहाँ पर बहुत ही मान्यता है और जिनकी तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और एंजॉय लेते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो म्यूजिक के साथ अभी एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग चल रहे थे, वरना कॉपीराइट आ जाता, तो इसलिए मुझे म्यूजिक को ऑफ करना पड़ा है। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ बोतल पंप के जो पेड़ होते हैं वो लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हरियाली में देखकर, और हरियाली तो यहाँ पर हमारे गांव में चारों तरफ है ही। पिछली बार आपको वीडियो में दिखाया था दूसरे मंदिर में जो गए थे वहाँ पर भी खूब सारी हरियाली है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है तालाब और बिल्कुल नीला जल जो है इसका है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें ना मछलियाँ भी थी तो सभी मछलियों को दाना मतलब डालते हैं, अन्न वगैरह जो आटे की गोलियाँ होती हैं ना वही सभी डालते हैं। और ये देखिए बच्चे ना बोल रहे थे आंटी जी हमारी भी वीडियो बना दो, इनकी आवाज़ हम आपको सुना भी देते लेकिन क्या करें यहाँ पर सॉन्ग जो है वो चल रहे थे इसलिए हमें आवाज़ को करना पड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो कचरी होती है ना छोटे वाली और बड़े वाली वो लगी हुई थी, तो वही दिखा रहे थे हम आपको कि ज़्यादा अंदर तो हम नहीं गए थे, वही है छोटे छोटे कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना तो डर भी लगा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये छोटे वाला गेट है और मेन गेट आप आगे देख ही सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अब मतलब लॉकडाउन नहीं है, खुल चुका है तो काफ़ी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं, तो हम भी मंदिर में आए थे। ये देख ही सकते हैं हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं और चारों तरफ कितना अच्छा जो है वो लग रहा है। और हम यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं रहे थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो खड़े हुए थे। और ये देखिए हमारा जो कैमरा है वो हाथ से हिल गया था, गिरने को हो ही गया था। ये देख सकते हैं ये बालाजी का मंदिर था, अंदर भी बालाजी की मूर्ति को स्थापित किया गया है और बाहर जो है वो तिलक लगाने के लिए स्थापित किया गया है, तो आपने देखा ही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ के जो पेड़ होते हैं नीम के, बोतल पंप के, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के मतलब पेड़ होते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, उस तरह के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो महाराज जी हैं ना ये यहाँ के मेन हैं, यही
जो कार्यभार है वो संभालते हैं। अब ये कुछ बना रहे हैं, जैसे किसी की मन्नत वगैरह होती है तो उसी के लिए कुछ ताबीज़ वगैरह बोलते हैं शायद, तो वो बना रहे थे। तो अब चल चुके हैं हम बाहर की तरफ, तो देख ही सकते हैं। और यहाँ पर साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, बस पत्ते वगैरह हैं जो वो गिर जाते हैं, वरना साफ सफाई का काफ़ी जो ध्यान है वो रखा जाता है। तो ये देखिए अब हम घर आ गए हैं और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी पॉपकॉर्न बना दो, तो हमने पॉपकॉर्न इन लोगों के लिए बना दिए। तो देख सकते हैं बच्चे घर में खा रहे हैं। पायल अभी नहाने के लिए गई हुई थी, ना कर आ जाएगी तो उसके लिए बना कर रख दिए हैं वंश और पायल के लिए। तो ये देखिए मैं वंशिका के साथ मस्ती जो है वो कर रही थी और काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे के साथ थोड़ा सा नटखटपन कर लो तो इनको भी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार बच्चों को गुस्सा भी उतना आ जाता है, कई बार छोटे बच्चे परेशान कर देते हैं। तो कोई नहीं, अगर बच्चों को हम प्यार करेंगे तो डांटने का भी हक माँ बाप को होता ही है। ये देख सकते हैं ये खा रही है। और ये देख सकते हैं ये पायल के लिए मैंने अम्ब्रेला जो फ्रॉक होता है वो बनाया है, वंशिका का भी बनाया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ये कई दिन से बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए फ़्रॉक बना दो, तो मैंने भी सोचा कि आज बना ही देते हैं। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कपड़ा था, तो इस तरह से मैंने अलग अलग दोनों के बना दिए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।